हे गाइस, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक सेक्शन एंड दैट इज़ वर्बल रीजनिंग। एंड वर्बल रीजनिंग का आज हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट जहाँ पर आपके पास कुछ पर्सनस या कुछ थिंग्स गिवन होंगी और आपको कुछ हिंट्स गिवन होंगे या हम बोल सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस गिवन होगी। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने उन पर्टिकुलर पर्सन्स या उन पर्टिकुलर थिंग्स को अरेंज करना है इन प्रॉपर ऑर्डर। तो ये इस क्वेश्चन को देने का एग्जामिनर का यही मोटिव होता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी एनालिटिकल पावर कितनी है, आप कितनी स्ट्रॉन्गली रीजनिंग को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और कितनी आप लॉजिकली अरेंज कर सकते हैं किसी भी पर्सन को या थिंग को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। तो सिटिंग अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है रो अरेंजमेंट, फिर हमने सर्कुलर अरेंजमेंट डिस्कस किया है, उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट डिस्कस किया है या ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्क्वायर अरेंजमेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रायंगुलर अरेंजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, जहां पर रो और सर्कुलर अरेंजमेंट अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सेम है, जहां पर आपके पास कुछ कॉर्नर्स गिवन होंगे और कुछ आपके पास मिडिल साइड्स गिवन होंगी एंड उसी के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट डिस्कस किया था और उसके तीन सब पार्ट्स थे, जहाँ पर फर्स्ट हमने अरेंज किया था वे पीपल वर फेसिंग सेंटर, सेकंड हमने डिस्कस किया था वे पीपल वर फेसिंग आउटसाइड एंड थर्ड डिस्कस किया था जहाँ पर बोथ डायरेक्शंस में थे, कुछ ऐसे पर्सन्स थे जो सेंटर फेसिंग थे और कुछ ऐसे पर्सन्स थे जो फेस कर रहे थे आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे ही हम ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में आज डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हमारी बात होगी क्वेश्चंस जहाँ पर बोला होगा दैट पर्सन्स या जो भी थिंग है दे आर फेसिंग सेंटर। तो अभी हम फिर से ये रिवाइज कर लेते हैं कि फेसिंग सेंटर के क्या लॉजिक्स थे और फेसिंग आउटवर्ड के क्या लॉजिक हैं। फेसिंग सेंटर में मैंने आपको बताया था कि जब भी बोला जाएगा कि पर्सन सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, चाहे वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, पॉलीगोनल हो, कोई भी अरेंजमेंट हो, अगर सेंटर की टुवर्ड्स फेस कर रहा है तो लेफ्ट का मतलब होता है दैट द पर्सन हैज़ टू टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब भी राइट बताया जाएगा क्वेश्चन में तब हमेशा वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस पर्सन को टर्न कराएंगे। अगर ये पार्ट आपको क्लियर है तो आपके 75% क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें डिफिकल्टी ज़रूर आएगी। लेफ्ट राइट का मतलब ये है, अगर बोला है ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अगर ऐसे बोला है कि पर्सन जो है सारे पर्सन सेंटर फेसिंग है और ये बोला हुआ है ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल बना रहे हैं और बी यहाँ पर है, और अगर बोला है ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी और बी जो है वो सेंटर फेसिंग है, तो लेफ्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जिस तरह से हमारी क्लॉक की नीडल्स चलती हैं जिस डायरेक्शन में, दैट इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और बोला हुआ है ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अगर बी यहाँ पर है, सेकेंड लेफ्ट मतलब फर्स्ट लेफ्ट ये हो गया और सेकेंड लेफ्ट ये हो गया, तो हम यहाँ पर ए को प्लेस कर देंगे। लेकिन अगर ये बोला है दैट सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, अगर ये बोला हुआ है कि सी जो है वो थर्ड है टू द राइट ऑफ ए, ए भी सेंटर फेसिंग है क्योंकि अभी हम सेंटर की बात कर रहे हैं, थर्ड राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज अब कैसे बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। ए यहाँ पर है, फर्स्ट राइट नहीं, सेकेंड राइट नहीं, थर्ड राइट, और हम यहाँ पर सी को प्लेस कर देंगे। तो ये थी एक जनरल सी इंट्रोडक्शन सिटिंग अरेंजमेंट ट्रायंगुलर बेस्ड की। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि हमें किस लेवल पे और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
ज़रूरी नहीं है कि पर्सन जो है वो कॉर्नर्स और साइड्स में ही बैठेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास गिवन हो कि एक ऐसा ट्रायंगल है जहाँ पे जो एक साइड के मिडिल पे टू पर्सन सीटेड है, ऐसे ही एक साइड के मिडिल में टू पर्सन सीटेड है और एक साइड के मिडिल पे टू पर्सन, 1 2 3 4 5 6 6 पर्सन ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस गिवन होगी उसी हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस टाइप के, तो डू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, और अटेम्प्ट करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आपको समझ आ जाएगा कि किस पैटर्न के बेसिस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी रीजनिंग एबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की टूवर्ड्स चलते हैं और समझते हैं कि हमने कैसे ट्रिक्स अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, और उस ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में जितने भी पर्संस हैं या थिंग्स हैं सबको हमने सेंटर फेस करवाया है। सो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चन। बोला हुआ है पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग इन अ ट्रायंगल फेसिंग सेंटर। तो इतना तो हमें पता लग गया कि हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना है और उस ट्रायंगल में हमें ये देखना है कि पर्संस को हम कैसे अरेंज किया गया है। इतना तो पता लग गया हमें कि फेसिंग सेंटर है। नेक्स्ट ये बोला है दैट थ्री ऑफ देम आर सिटिंग एट कॉर्नर व्हाइल थ्री आर सिटिंग इन मिडिल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि सेंटर के कैसे अरेंजमेंट है, तो वो अरेंजमेंट ये बोला हुआ है कि तीन ऐसे पर्संस हैं जिनको कॉर्नर में प्लेस किया हुआ है और तीन ऐसे पर्संस हैं जिनको मिडिल प्लेस किया हुआ है, राइट? अब मैंने आपको बताया था कि जब भी फेसिंग सेंटर है तो लेफ्ट का मतलब होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और राइट का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वही अब हम देखते हैं। बोला गया है टी सिट्स एट कॉर्नर। अगर ये बोला है कि टी सिट्स एट कॉर्नर तो हम टी को यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर भी, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल में थ्री कॉर्नर्स हैं और थ्री कॉर्नर्स में से आप फर्स्ट किसी को भी, आप अगर बताया हुआ है कि एक पर्सन कॉर्नर प्लेस है तो थ्री कॉर्नर्स में से आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया टी को। ऑलवेज रिमेंबर कि सर्कुलर अरेंजमेंट में और रेक्टेंगुलर में, स्क्वायर में या ट्रायंगल में यही डिफरेंस होता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में आप कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन को प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास साइड्स गिवन होती हैं, सर्कल्स की तो कोई साइड नहीं होती, लेकिन जब रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल की बात करते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं उनके, तो उस टाइम पे हमारी पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी अराइज इसलिए नहीं हुई क्योंकि पहले ही गिवन है कि टी कॉर्नर में सिट करता है और इसीलिए यहाँ पर हमने टी को प्लेस कर दिया। अब बोला हुआ है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू एंड टी के बीच में एक ही पर्सन है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि क्या वो टी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसे बोल सकते हैं कि क्या टी से वो लेफ्ट में है या राइट में है। तो हमें दोनों पॉसिबिलिटीज बनानी है। क्यों? क्योंकि टी और क्यू के बीच में एक ही पर्सन है, तो अगर टी यहाँ पर है तो क्यू यहाँ पर भी हो सकता है और अगर टी यहाँ पर है तो क्यू यहाँ पर भी हो सकता है। जितनी पॉसिबिलिटीज अराइज होंगी हमें उतनी ही पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करनी है, एक भी पॉसिबिलिटी को मिस नहीं करना क्योंकि हो सकता है वही हमारा फाइनल फिगर हो। तो यहाँ पर एक हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम एक और पॉसिबिलिटी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। गिवन है कि टी सेंटर में है और कॉर्नर फेसिंग है, टी और क्यू के बीच में एक पर्सन है तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, और टी और क्यू के, क्यू वहाँ पर भी प्लेस हो सकता है इसलिए वहाँ की पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी आ गई और ये सेकंड पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला हुआ है। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू की राइट, अगर क्यू का राइट है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, मतलब इस तरह से होगा, राइट? और बोला गया है आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। अगर क्यू यहाँ पर है तो हमने इस तरफ जाना है क्योंकि राइट बोला हुआ है। वन टू और थ्री आर यहाँ पर आ जाएगा, और अगर क्यू यहाँ पर गिवन है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही होगा, तो वन टू एंड थ्री आर यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये बोला हुआ है दैट आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। नेक्स्ट इट इज गिवन यू सिट्स इन द मिडिल एंड इज एडजेसेंट टू पी।
यू जो है वो मिडिल में है, एडजेसेंट टू पी, एडजेसेंट टू पी का मतलब होता है कि वो पी का नेबर है, एडजेसेंट का मतलब है नेबर, यह बिल्कुल साथ में है पी के। बोला हुआ है कि यू जो है वो मिडिल में है। अगर हम इस कंडीशन को देखें तो यू को हम यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने यू को इस तरफ प्लेस किया तो हम यहाँ पे पी नहीं बना सकते क्योंकि जो सीट्स हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो डेफिनेटली बात है कि यू को हम यहाँ पर प्लेस नहीं करेंगे, यू को हम इधर ही प्लेस करेंगे और उसके साथ में हम पी को भी प्लेस कर देंगे क्योंकि ये बोला हुआ है कि यू के एडजेसेंट पी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यू को अगर यहाँ पर प्लेस करें तो हम पी को नहीं प्लेस कर सकते कहीं पे भी क्योंकि सीट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो हम यू को इधर प्लेस करेंगे और उसके एडजेसेंट पी यहाँ पर प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट बोला हुआ है एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, लेफ्ट का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एस जाएगा तो वन एंड टू सेकंड एस, लेकिन आर से अगर हम यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर यू है और अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तब हम एस को प्लेस कर सकते हैं, पर हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकते क्योंकि लेफ्ट बोला हुआ है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, हम इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रोडिक्शन आ गई है, इसलिए ये होगा हमारा फाइनल डायग्राम और इसी डायग्राम के बेसिस पे हम अपना क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। हु सेट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड यू, आर एंड यू के एग्जैक्टली बीच में कौन है, आर यहाँ पर है और यू यहाँ पर है, आर और यू के एग्जैक्टली बीच में है पी, देयरफॉर पी इज आवर आंसर, यहाँ कर देते हैं पी इज आवर आंसर दैट पी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड यू। अगर आपसे ये पूछा जाए दैट हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, अगर पूछा जाए हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू तो वन टू थ्री तब आंसर आएगा आर, अगर थर्ड राइट बोला है राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वन टू थ्री तो आएगा आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। एक क्वेश्चन अगर आपके पास इस पजल का गिवन है तो उसके सब पार्ट्स 5 to 6 हो सकते हैं, मतलब आपने बस एक बार डायग्राम ड्रॉ करना है, फाइनल कंक्लूजन अपने देखनी है अपने डायग्राम की और उसके बाद आप इजिली उन 5 questions को सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट डायग्राम। तो अगर आपकी ये सिटिंग अरेंजमेंट के सारे क्वेश्चंस आपको पता हैं, हर पैटर्न के बारे में आपको अवेयरनेस है तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इनकी काफ़ी हैवी वेटेज होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के पूछे जाते हैं, तो ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। एंड प्रैक्टिस करने के लिए अगर अभी आप तक रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in और रजिस्टर करने के बाद आपके पास बहुत से बेनिफिट्स होंगे, आप हर टॉपिक की डिटेल्स को स्टडी कर सकते हैं और उस टॉपिक के कोरिस्पोंडिंग जो सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड हैं आप उनको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं एंड दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल टू यू। एज अ रिजल्ट हम प्रोवाइड करेंगे आपको एक एनालिटिकल रिपोर्ट जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा ताकि आप अपने वीक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़ी और मेहनत करें, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थोड़े और सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करें और उन्हें भी अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट कर सकें। दिस वे यू कैन बिकम मास्टर ऑफ रीजनिंग एंड आप अपने एग्जामिनेशंस में भी अपने कंपेटिटर्स को बीट करके अच्छे स्कोर कर सकते हैं। सो आई सजेस्ट यू टू कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू रजिस्टर @abhyasonline.in।